पौरी नगर परिषद में मुक्तिधाम की बाउंड्री वॉल निर्माण में ठेकेदार द्वारा किए जा रहे घटिया निर्माण की शिकायत पर जांच करने पहुंचे पार्षदों का गुस्सा घटिया निर्माण को देखकर फूट पड़ा। मौके पर पहुंचे नगर परिषद पौरी के पार्षदों ने ठेकेदार को जमकर खरी खोटी सुनाई और निर्माण कार्य को बंद करा दिया। दरअसल नगर परिषद पौरी में 89 लाख रुपए की लागत से मुक्तिधाम में बाउंड्री वॉल सहित अन्य निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। बाउंड्री वॉल के कॉलम निर्माण में ठेकेदार द्वारा एस्टिमेट के विपरीत जाकर काली गिट्टी महुअर की जगह कम गुणवत्ता वाली सफेद गिट्टी और काली डस्ट का उपयोग किया जा रहा था। वहीं कॉलम खड़े करने के लिए नीचे लोहे की जाली न लगाते हुए पत्थर रख कर सरियों को रोपा जा रहा था। मुक्तिधाम में घटी निर्माण को देखकर पार्षदों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने इस घटी निर्माण कार्य को रोपा दिया। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। पोहरी में मुक्ति धाम का काम चल रहा है। हम पार्षद लोग घूमते घामते वहाँ पहुँचे। वहाँ पर पहुँच के हमने काम देखा तो एक लड़का पत्थर उसमें डाल रहा था। जो वहाँ पर टटिया जो लगनी चाहिए तो 34 पिलरों में एक ही में टटिया नहीं थी। और फिर उनको पिलर को हमने हटवाया और पिलर गड्ढों को चेक किया तो मिट क्या कहते हैं मसाला फिर पत्थर फिर मसाला फिर पत्थर ये जमा हुआ था उसमें। पूरे पिलर हटवाए, काम बंद करवा दिया। आज दिनांक 11/12 को हम पार्षदगण 10 पार्षदगण मुक्तिधाम पौरी को देखने गए थे। वहाँ निर्माण कार्य चल रहा है, उसमें पाया गया कि वहाँ जो कॉलम भरे गए थे उसको टटिया नहीं डाली जा रही थी और जो नीचे बेस बनाया जा रहा है PCC जो डालते हैं उसमें खंडे भरे गए थे और घटिया सीमेंट गिट्टी रेता का उपयोग किया जा रहा है और ना ही गड्ढे जो जितनी गहराई खोदी जाती है उसके हिसाब से गड्ढे नहीं खोदे गए। ये लगभग 88 लाख रुपये का निर्माण स्वीकृत है, उसमें बाउंड्री वॉल भी है, पेवर ब्लॉक भी है और टीन सेट भी है और बरामदा भी है।